आप अपना परिचय दीजिए। मैं सर्वेश बघेल, 86 विधानसभा एकनाथपुर सिंह, आजाद समाज पार्टी काशीराम से आज मैंने नामांकन किया है। बहुजन समाज पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं 2 साल से विधानसभा एकनाथपुर का लगा हूँ, लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों के साथ बीच में हूँ और मुझे जनता का प्यार मिल रहा है और जनता ने ही मुझे कहा है आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अभी मैंने आज आजाद समाज पार्टी काशीराम का दम थामा। जो अयोध्या चुनाव की जो गतिविधियां चल रही हैं, इस चुनाव को आज इस बार आप किस उद्देश्य रूप में देख रहे हैं? ये ऐसा है, हमारी 86 विधानसभा पे मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, लोगों की जनता ने ही मुझे आकर्षित किया है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जब ही मैं आज पार्टी थी। अच्छा, अभी तक आप किस किस ग्राउंड तक आपने भ्रमण किया था अपने कैंपेनिंग के दौरान? ये पूरी विधानसभा में ज्यादा मेरे से 1-2% गांव रह गया, यानी टोटल में गांव पूरा कर चुका हूँ। एक एक गाँव में 2-3 बार जा चुका हूँ। ठीक, एक गाँव में है हमारे विधानसभा में 300 के समथिंग है। और आपकी रणनीति क्या रहेगी? आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति जो है, मैंने जो गांव-गांव गया हूं तो मैंने यही देखा है, वहाँ सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की है और पानी की है और चकरोड कच्चे पड़े हुए हैं और जो हमारी विधानसभा का कन्या डिग्री कॉलेज नहीं है लड़कियों के लिए, लड़कियों को 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और जितने भी चकरोड है उनको पक्का करा करके लोगों को आवागमन का जो जिससे शहर तक पहुंचे अपना आवागमन सही है। और विकास के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? विकास के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं, किसान जो हमारे यहां पर है अपनी फसल की उपज करता है उसको अपनी गल्ला मंडी को गल्ला जो बेचने के लिए दूसरे जिले में जाना पड़ता है। एक तो हमारे यहां गल्ला मंडी नहीं है, अगर जब गल्ला मंडी में ही हमारे यहाँ गल्ला मंडी बन जाएगी तो वहीं अपना माल बेचेगा तो उसका पैसा भी अपने कस्बा या शहर में लगाएगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। एक सेकंड नहीं। मेरा नाम मोहम्मद कामिल अबुल उलाई है। कौन सी पोस्ट? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। क्या रहेगा आपका रणनीति? क्या है भाई रणनीति रहेगी कि आज तक जो है विपक्षी पार्टियों ने सिर्फ धर्म की राजनीति की है हिंदू मुस्लिम, हम विकास का कार्य करेंगे, शिक्षा का कार्य करेंगे, रोजगार लागू करेंगे, ये सारे कार्य हम करेंगे। अच्छा, ये जो आपकी पार्टी जो मुस्लिम लीग है कि वो मुस्लिमों को साथ में लेके चली या सब समाज के लिए? सब समाज को साथ में लेके चलती है हमारी पार्टी और सभी लोग जो है सभी लोगों का विकास करती है, सभी धर्मों का विकास करती है, ऐसा नहीं है। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें तकरीबन कितने गांव? गांव की तो जानकारी मुझे गांव नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अब तक आपने जो अब तक अपनी आपकी लीग ने जो काम किया है उससे संबंधित थोड़ा प्रकाश डालिए, आपको लोग क्यों और कैसे आपके साथ? आप जो है केरला का मॉडल लाके देख लीजिए कि वहाँ पर जो है शिक्षा पे कितना विकास किया गया है, कितना कार्य किया गया है, रोजगार पे कितना कार्य किया गया है, समझे? हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वाले, समझे? विकास का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर जो है आवाम हमारे साथ है और हमें सपोर्ट करेगी और विपक्षी पार्टी जो धर्म की राजनीति करते हैं उनको खदेड़ने का काम करेंगे और अब जो है उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य। शिक्षित लोग हैं समाज में, उनके लिए आपकी पार्टी नया कुछ एजेंडा लेके आएगी? उनके लिए भी एजेंडा लेके आएगी और पढ़े लिखे उनके लिए भी लेके आएगी, रोजगार भी लेके आएगी, सारे कार्य किए जाएंगे। शब्बीर अब्बास हूँ और 89 उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी से। क्या रणनीति आपकी? मेरी रणनीति तो कुछ नहीं है, मेरी बस एक ही धारणा है कि लोगों की घर घर जाकर के सेवा करूं। लोग जो विधायकों के पास आते हैं वो आना बंद करूं, मैं खुद जनता से जुड़ूं और सबसे ज्यादा बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका मैं खुलासा करूं। लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास शिक्षा नहीं है, रेलवे का टिकट जो 2 रुपए का होता था वो 20 रुपए का लोगों को खरीदना पड़ रहा है, जो गैस का सिलेंडर 400 का था वो 1000 का, जो पेट्रोल 60 रुपए का था वो 100 रुपए में, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है, ऐसी चीज नहीं है तो जो जनता त्राई त्राई नहीं कर रही हो। आज देखिए कि कोरोना काल के बाद में आज उन्होंने चुनाव आयोग जिस तरीके से उन्होंने
दिशा निर्देश जारी किए कि चुनाव में 5 ही लोग प्रचार कर सकते हैं, जबकि देखिए बसों में 60 लोग बिना मास्क के पूरे भर के और सफर कर रहे हैं। तो जनता कोई अंधी नहीं है, जनता को सब दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग इनकी कमियों न दिखें, इसलिए चुनाव के अंदर 5 लोगों का उसने जो है ये बात कही है। लेकिन जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का टाइम अब खत्म हो चुका, बहुजन समाज पार्टी का टाइम अब शुरू है। 10 तारीख को मार्च को बहुत प्रचंड भाव से बीएसपी जीतेगी और मैं उत्तरी विधानसभा से बहुत वोटों से जीत के विजयी होगा। तो फिर अभी शिक्षा और विकास के ये योगदान नहीं दिया गया अभी तक, उसमें क्या करेंगे? देखिए शिक्षा भी देंगे आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में। देखिए ये एक्सप्रेस वे जो बना आगरा दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे उन्होंने ही बनाया था, तमाम जो खूबसूरती लखनऊ में आपको देखने को मिलती है, नोएडा की जो बसावट है वो आज हम लोग गर्व से नोएडा का नाम लेते हैं, वो भी उन्हीं की देन है। मैं समझता हूँ ऐसा ही विकास फिर हो। मैं बनै सिंह पहलवान, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आज हमने 9 विधानसभाओं पर सारे प्रत्याशी उतार दिए आम आदमी पार्टी ने, और जो रुझान आ रहे आम आदमी पार्टी के पक्ष में वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो घोषणा की है कि हम किसानों की बिजली मुफ्त देंगे, 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, पुराने बिल माफ करेंगे, इस हमारी गारंटी कार्ड को लेकर, क्योंकि केजरीवाल जी पर हर कोई विश्वास इसलिए करता है कि दिल्ली में जो कहा उससे भी दूना काम किया, इसी उद्देश्य को लेकर के इस प्रदेश की जनता खासकर किसान गरीब मजदूर ने ये ठान लिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनवानी है और हमें बिजली मुफ्त लेनी है, अपने बच्चों को फ्री की शिक्षा वर्ल्ड क्लास मिलेगी, स्वास्थ्य शिक्षा में तो आज केजरीवाल जी की कोई सानी नहीं है, क्योंकि जब ट्रंप अमेरिका से दिल्ली में आए उस समय उनकी जो धर्म पत्नी आई तो उन्होंने केजरीवाल के विद्यालय आके देखे और उन्होंने सराहना की कि वास्तव में ही वर्ल्ड क्लास शिक्षा है, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं की फ्री यात्रा, बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा, ये सारी जितनी भी फैसिलिटी हैं वो केवल आम आदमी पार्टी ने देने का काम इस देश में किया है। और उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है, तो केवल आम आदमी पार्टी से परेशान है कि जैसे दिल्ली में सुपड़ा साफ किया है इसी तरह उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ करेगी तो आम आदमी पार्टी करेगी। जनता की सुविधा के लिए स्वास्थ्य शिक्षा बिजली पानी, यहाँ तक कि सबसे बड़ी समस्या लाइट की है, टोरेंट की है, जनता टोरेंट से बहुत परेशान है, प्रताड़ित हो चुकी है, 2-3 साल से घर में अंधेरा पड़ा हुआ है, पहले तो लाइट कटवाने के 600 रुपए दें, फिर लाइट जुड़वाने के 600 रुपए दें, अंधी मचा रखी है टोरेंट ने, ये टोरेंट से जनता इस कदर दुखी है कि बस कह नहीं पा रही है। टोरेंट से क्या नाम है, 300 यूनिट फ्री दी जाएगी बिजली आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनेगी, शिक्षा भी फ्री दी जाएगी, जो देखा है आपने दिल्ली के अंदर शिक्षा चल रही है वर्ल्ड क्लास, वही शिक्षा दी जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे महिलाओं की बस यात्रा फ्री है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री है, इस तरीके से सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक, चुप हो जाओ जरा, बोलो क्या बोलो। मैं रंजन अब्बास, दक्षिणी विधानसभा से प्रत्याशी आम आदमी पार्टी आगरा। किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं? देखिए आज मैंने बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से आशीर्वाद लेकर के आज कलेक्ट्रेट में मैंने नामांकन पर्चा दाखिल किया है, और इसके बाद में मैं जनता के बीच में लगातार मैं रहा हूं पहले से, और मैं इसके बाद में दक्षिण विधानसभा की जनता के बीच में जाऊंगा और उनसे आशीर्वाद लूंगा, और आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से जो नीति है, जो दिल्ली में जो काम किया है, बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, उसी दिल्ली मॉडल को लेकर के हम दक्षिणी विधानसभा में मैं जनता से वोट मांगूंगा, और आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम पार्टियों ने वायदे किए, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि हमारी पहली गारंटी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी,
24 घंटे के अंदर हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और बकाया माफ करेंगे। दूसरी गारंटी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो नौजवान युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो दत्तर की ठोकर खा रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। हमारी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है एक साल के अंदर 10 लाख नौकरी और यानी 5,000 रुपए रोजगार भत्ता प्रतिमा दिया जाएगा। चौथी गारंटी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी माता हैं, जो बहनें, वो अपने पति के सामने हाथ फैलाती हैं, एक बेटी है पिताजी के सामने हाथ फैलाकर कुछ पैसे मांगती हैं, तो अब हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने उनके लिए भी 18 साल से ऊपर की महिला है 1,000 रुपए प्रतिमा उनके खाते में डाले जाएंगे। चौथे नंबर एक गारंटी और दी है, दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों को जो बेहतरीन एयर कंडीशन बनाया है उनके अंदर स्विमिंग पूल बने हुए हैं जो कि 5 स्टार होटल में होते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जो जनता है, उत्तर प्रदेश के अंदर 5.5 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें से 25% पैसा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ठीक ठीक, आप अपना परिचय दीजिए। मैं मुंडाई क्या से रहने वाला हूँ, नारायण सिंह नाम है, फतेहपुर सिंह की विधानसभा से। आप ही? अच्छा, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? गरीब जनता को लेकर नहीं, गरीब पीड़िया को लेकर नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप किस पार्टी से? किस पार्टी से और कहाँ से? फतेहपुर सिंह की। आगे की रणनीति क्या है? रणनीति जो होगी कि हमारी पार्टी चाहती है कि हम अपना भाईचारा बना रखें, शांतिपूर्ण को बना रखें, गरीबों की जितनी सेवा होगी, दलितों की जितनी सेवा होगी वो सेवा करना चाहती है। ठीक, एक मिनट आया। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।